तुम्हें इतने पाऊंगा उत्तर पत्ता दी दे भी तब चाहूंगा तब तब मेला है। बट कोई मुझे यहां देखते मिले और मान्य ना आ जाए मेले मनता भला में ये तो है यहां आप यहां क्या डलने मेरे पहले चाहता तान बदलता तीदा तंदो चलो दिल बदल दिया इनता देता है क्या कहा आपने सुनिए मैंने ये ता दिल बदल दिया इनता ये अट्टा ओ अच्छा अब समझा ये कहा था आपने चलो सिर बदल गया इनका ये अच्छा है इतना तुद्धि मान है आप इतनी जल्दी तो मत दे थी। ताली थी। नहीं नहीं इसे मैं नहीं खाऊंगा इसे आप ही खा लीजिए और अन्य सभी मैं रख लेता हूँ मेरे उदर में फल किसी के लिए थोड़े होते हैं वो तो खाने के लिए होते हैं आनंद आ गया लुटे लुटे ये तो तोड़ दे दिया देवराज इंद्र के इंद्रलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने अपना क्रोध मुझे मत दिखाओ इंद्र मुझसे भयभीत हो मैं तुमसे कुछ ज्ञात करने आया हूं जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दो अन्यथा तुम्हारे इस इंद्रलोक को ध्वस्त कर दूंगा मैं शीघ्र बताओ क्यों एकत्रित हुए थे तुम सभी देवता कैलाश पर और वहां पर इतनी प्रसन्नता का वातावरण होने का कारण क्या था दुष्ट असुर तुम्हारी सबसे बड़ी भूल तुमने यहां आकर मुझसे धृष्टता करने का दुस्साहस किया और अब मुझसे मेरे इंद्रलोक में ही प्रश्न कर रहे हो मैं तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा फल दादा कितने स्वादिष्ट फल थे आनंद आ गया आपका अनेकों धन्यवाद मैं तो यह देना था आपको तब्बल दादा मैं तब्बल दादा मैं आपको यह देना था हमने ताले ताले ताले
हाँ हाँ खा लिए मैंने, क्योंकि आपने ही तो हाथ बढ़ाकर दिया था। माता पार्वती के पुत्र मेरे पल दादा और मातला ही है। पुत्र, तुमने तोतला गंड से उनके सभी फल लेकर क्यों खा लिए? किसी की अनुमति के बिना उनका भोजन खाना तो अनुचित है पुत्र। किंतु माँ, मैं क्या करता, इतने स्वादिष्ट फल थे और मुझे भूख भी लगी थी। ये मैं कैसे भूल गई, उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। इतना समय हो गया मैंने उसे कुछ खिलाया ही नहीं, मुझे अब उसके प्रति और सहज रहना होगा। आप सभी के रहते ये कैसे हो गया? यदि मुझे स्मरण नहीं रहा तो आप सभी को भी तो सूझ सकता था कि वो एक बालक है, उसे भूख भी लगती है। अब यहाँ खड़े मत रहिए, शीघ्र जाकर कुछ प्रबंध करिए। माता, लड्डू बन गए हैं, मैं अभी ले आता हूँ। नंदी, अभी बालक का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, ये तो ज्ञात है ना आपको। अन्नप्राशन होने के पूर्व तो वो बस फल, दूध और मधु का ही आहार कर सकता है। यथाशीघ्र सुंदरवन जाकर वहाँ के स्वादिष्ट फल लेकर आइए। श्रृंगी, और आप विंध्याचल जाकर वहाँ प्राप्त होने वाला सबसे मीठा मधु लेकर आइए। और आप शीघ्र स्वर्ग जाकर वहाँ देवी कामधेनु से दुग्ध लेकर आइए। अरे, आप सब यही खड़े क्यों हैं? मेरा पुत्र भूखा है, विलंब मत कीजिए, जाओ और शीघ्र लेकर आओ। जी जी माता जी। इतना अधिक कार्य करना है, बालक का कक्ष तैयार करना है, उत्सव के प्रबंध करने हैं, इतना सब कुछ है करने के लिए। देवताओं, मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। मुझसे संघर्ष करने का निर्णय किया है तो उसके दुष्परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम सभी। तुम्हारी संयुक्त शक्ति भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसने तो हमारा वार हम पर ही लौटा दिया, ये कैसे संभव है? मूर्ख देवताओं, अब मेरे वार का सामना करो। Thank you.
के मन में उमड़ी ममता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। मेरे पुत्र को अपने जीवन के आरंभ में ही इतनी कठोरता का सामना करना पड़ा है, किंतु अब मैं उसका जीवन कोमलता से भर दूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। जैसे मरुस्थल को वर्षा की फुहार तृप्त करती है, वैसे ही मुझे माँ बनाकर तुमने मेरे जीवन को सभी सुखों से भर दिया है पुत्र। अपनी संतान का ध्यान रखना ही तो माँ के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्या हुआ है माँ को? मुझे देखकर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी और अब बिना कुछ कहे कहीं जा रही है। देखता हूँ। राजेंद्र, देखो कैसे मैंने अपने पास में बांध लिया तुम्हारे सभी देवताओं को, निष्क्रिय कर दिया उन्हें। अब हम दोनों का सामना होगा एक दूसरे के साथ। दुर्भाग्यवश हमारे इस परस्पर युद्ध में पराजित तुम ही हो गए। दुष्ट असुर सावधान! शब्दों से नहीं, योद्धा हो तो अपने अस्त्र से पराजित करो मुझे, किंतु तुम्हारे वज्र प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ मुझ पर। सर्वशक्तिमान हूं मैं, नहीं टिक पाओगे मेरे समक्ष। मेरा वज्र भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका और इसने इतनी साजिदा से मुझे गिरा दिया, किंतु मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए तुम्हारा कक्ष तैयार कर रही हूँ पुत्र, तुम्हारा बिछौना सजा रही हूँ। मेरे पुत्र को तनिक भी कष्ट ना हो, इसकी व्यवस्था कर रही हूँ। अरे सारे दीपक क्यों नहीं जल रहे? मैं इन्हें जला देती हूँ।
पिताश्री। माँ माँ, कितनी लंबी और घनी जटाएं हैं पिताश्री की, किंतु उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या वो ज्ञात है आपको माँ? पुत्र, अब मुझे मेरे कार्य करने दो, तुम बाहर जाकर क्रीड़ा करो। कहिए ना माँ, आपको ज्ञात है क्या? मैंने उचित समझा था, आपको कैसे ज्ञात होगा? मैं बताता हूँ, नंदी जी है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार पिताश्री ने अपनी इन जटाओं में माँ गंगा को ही समाहित कर लिया था। ऐसे हैं मेरे पिताश्री। ये क्या किया पुत्र तुमने? अभी मैंने ठीक किया था और अभी तुमने बिगाड़ दिया। अब इसका कक्ष तो ठीक हो गया, अब रसोई देख लेती हूँ। किंतु रसोई में तो अभी अनेकों कार्य करने को शेष है। यदि ये इसी प्रकार मुझे तंग करता रहा तो एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। किसे बुलाऊं इसका ध्यान रखने के लिए? महाबलशाली महायोद्धा असुर सम्राट हूं मैं, तुम्हारी शक्ति मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु मैं एक ही क्षण में तुम्हारा भक्षण कर सकता हूँ। त्रिलोकों में कौन है ऐसा जो मुझसे तुम्हारी रक्षा कर सके? लो, अब मेरा वार सहो। मेरे समक्ष लाचार और विवश देखकर आनंद आ रहा है। अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर, बताओ, अन्यथा? ये दुष्ट क्यों जानना चाहता है कैलाश में क्या हुआ? मैं कदापि नहीं बताऊंगा इसे। बताओगे, अवश्य बताओगे इंद्र, तुम्हारे मन को वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। मेरे नेत्रों में देखो देवराज, शीघ्र बोलोगे अब। वो बालक माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को, हाथलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पर हो। जय देव जय देव। माँ माँ, एक और बात सुनिए ना। और माँ एक और बात, पिताश्री का तीसरा नेत्र, हम सभी के पास तो दो ही नेत्र है, पिताश्री के पास एक तीसरा नेत्र भी है, जानती हैं आप? हाँ। माँ तो ध्यान ही नहीं दे रही, वो तो अपने कार्य में इतनी व्यस्त है कि मेरी तो कुछ सुन भी नहीं रही। अपना कार्य कैसे पूर्ण कर पाऊंगी मैं यदि इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे आता रहा मेरा पुत्र? माँ, नंदी जी ने मुझे बताया था कि यदि पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल जाए तो फिर सभी कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाती है। ये प्रलय क्या होती है माँ? पुत्र, प्रलय तो तब होगी जब उसका समय होगा।
किंतु ये तुमने क्या किया? अन्न गिरा दिया? अन्न से तो हमें भोजन प्राप्त होता है। प्राण वायु के समान जीवन का स्रोत होता है ये अन्न, इसीलिए हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, अभी मैं ये अन्न इस पात्र में डाल देती हूँ, किंतु आगे से ध्यान रहे पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, मैं और एक बात तो बताना भूल ही क्या? मैंने आपको पिताश्री के जो तीसरे नेत्र के बारे में बताया, वो तो कितना अद्भुत है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री सच में अद्भुत ही हैं। माँ पुनः चली गई, मुझे तो उन्हें और भी बहुत सारी बातें बतानी है। माँ माँ एक और बात सुनिए ना माँ। माँ पिताश्री के पास तो डमरू और त्रिशूल भी है, ज्ञात है आपको? यदि ये इसी प्रकार मेरे इर्द गिर्द रहा तो मेरा कार्य कैसे पूर्ण होगा? स्वामी को जैसे कोई चिंता ही नहीं है, अपने ध्यान में ही लीन है, और एक मैं हूँ जो ग्रह को व्यवस्थित करने के कार्यों में व्यस्त हूँ। उनके लिए तो ध्यान सर्वोपरि है, अब तो मुझे उनसे बात करनी ही होगी। आपने सुना ना माँ मैंने क्या कहा? माँ नंदी जी ने ना मुझे पिताश्री के त्रिशूल के बारे में बताया था, कितना प्रचंड है वो, आप जानती हैं? पुत्र। हाँ माँ। मेरे साथ आओ। अच्छा माँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलूँगा। किंतु हम जा कहाँ रहे हैं माँ? आओ स्वामी। क्या आपको ज्ञात है आज संपूर्ण दिवस यहाँ क्या कुछ हुआ है? नहीं ज्ञात है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब आप यहाँ ध्यान में मग्न थे तब मैंने नंदी श्रृंगी और अन्य गणों को हमारे पुत्र के लिए फल दूध और मधु लाने के लिए भेजा। उसके बाद मैंने अपने पुत्र के कक्ष की व्यवस्था की, फिर मैंने गृह के अन्य आवश्यक कार्य किए। मैंने तो ये सब किया, अब आप बताइए आपने संपूर्ण दिवस क्या क्या किया? नहीं नहीं, इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो ध्यान करने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। जानना चाहते हैं मुझे ये सब कैसे ज्ञात है? बताती हूँ। जब मैं एक एक कर सभी कार्य निपटा रही थी और साथ ही हमारे पुत्र का ध्यान भी रख रही थी, मेरी दृष्टि जब भी बाहर गई आप यहीं थे, ध्यान में लीन। जानती हूँ ध्यान तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जगत कल्याण का उत्तरदायित्व जो है आप पर। किंतु स्वामी हमारे गृह में अब एक बालक था, आपके पुत्र का आगमन हुआ है, यदि मेरे ऊपर आपका और उसके साथ अन्य कार्यों का भार भी पड़ गया तो मुझे कठिनाई नहीं होगी क्या? फिर मुझे अपने पुत्र की छठी नामकरण आदि संस्कारों का, उसके जन्म के उत्सव का भी तो विचार करना है। आपसे मैंने गृह के किसी कार्य को करने के लिए तो कभी नहीं कहा, किंतु स्वामी आपको अपने दायित्व स्वयं समझने चाहिए। स्वामी आपके पुत्र के प्रति आपका भी दायित्व है, ये तो समझते हैं ना आप? अब आप शांत क्यों हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे? कहिए ना, इतना तो आप भी समझते हैं ना? मैं तुम्हारी बात समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। मैं समझता हूं अपने समस्त दायित्व, भली भांति समझता हूं। कहो मैं कैसे सहायता कर सकता हूं? आपको ज्ञात है आज संपूर्ण दिवस आपका पुत्र मेरे पीछे पीछे घूमकर मुझे ये बताता रहा कि उसके पिता किस किस प्रकार से अद्भुत हैं। तो अब मेरा एक सुझाव है, मैं अपने शेष कार्य समाप्त करके आती हूँ और आप अपने ध्यान के स्थान पर अपने पुत्र के साथ कुछ समय बिताइए, उससे बातें कीजिए,
वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। उसकी जिज्ञासा शांत कीजिए स्वामी। अवश्य पार्वती। पुत्र, अब तुम कुछ समय अपने पिताश्री के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उचित है ना? मेरे पिताश्री अब मुझे अपने आप को लेकर अनेक बातें बताएंगे, बहुत आनंद आएगा। आओ पुत्र। पिताश्री, आप निद्रा मग्न हो गए क्या? नहीं पुत्र, मैं निद्रा में नहीं, मैं ध्यान मग्न हूँ। ध्यान पिताश्री, ये क्या होता है? ये तो मुझे नहीं ज्ञात, आप करते हैं तो कुछ अद्भुत ही होगा, बताइए ना पिताश्री। पुत्र, ध्यान से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है, हम अपने भीतर झांक कर अपना सत्य ढूंढ पाते हैं और आंतरिक और बाहरी वास्तविकता का हमें स्पष्ट बोध हो जाता है। किंतु पिताश्री, मुझे तो बिना ध्यान के ही सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब तो मैं आपको भली भांति पहचान गया हूँ, आपके विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया है मुझे। जो कुछ भी नंदी जी ने मुझे बताया था, अब वो सब कुछ स्पष्ट हो गया है मुझे। मैं आपको बताऊं पिताश्री, सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ, लंबी जटाएं हैं किए, गंगा को धार लिए, डमरू त्रिशूल है हाथ, त्रिनेत्र जय भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। तन पे भस्म है मले, नाग धरा है गले, रुद्राक्ष है क्षण है साथ, बम बोल बम भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। पुनः यही बैठ जाता हूँ उनके निकट। पिताश्री के नेत्र तो पुनः बंद हो गए, अब मैं क्या करूं? माँ ने कहा था पिताश्री के साथ ही रहना, तो उचित है। अरे ये क्या है? जो भी है बहुत सुंदर है, पकड़ लेता हूँ। अरे पकड़ में नहीं आ रहा। ओह, ये तो कुछ अत्यंत विचित्र और अद्भुत है पिताश्री की जटाओं में। नंदी जी ने तो इसके विषय में कुछ बताया ही नहीं। अतुलनीय सौंदर्य है मेरा, मुझसे भी अधिक सुंदर कोई कहां हो सकता है भला? देख लो इसका स्पर्श कैसा होगा। क्या हुआ स्वामी? ये तो अनर्थ हो गया। माता पार्वती के पुत्र ने मुझे
महादेव के मस्तक से उतार कर अपने हाथों में ले लिया है। नहीं नहीं, ये तो सर्वथा अनुचित है। बड़ी अद्भुत चमक है इसकी। मत करो। किंतु स्वामी, मैं आपको कहाँ गुदगुदा रही हूँ? माता पार्वती का पुत्र मुझे गुदगुदा कर आप प्रताड़ित कर रहा है। स्वामी, अब आप ठीक तो है? हाँ, अभी तो कुछ अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। अपने इस दिव्यास्त्र से मैं सभी बुरे असुरों को नष्ट कर दूंगा। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। पुनः उछाल कर देखता हूँ। प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? ये चंद्रदेव क्या कर रहे हैं? रोहिणी, बचाओ मुझे! कुछ कीजिए, सहायता कीजिए मेरी। स्वामी, आपने शनिदेव को देवी पार्वती के पुत्र को देखने के लिए प्रेरित किया था ना? ये उसी का परिणाम है। अब ये तो आपको भुगतना ही होगा। देवी पार्वती का पुत्र चंद्रमा के साथ पीड़ा कर रहा है, कहीं इसके परिणाम स्वरूप पुनः उस पर कोई संकट ना आ जाए। आपकी चिंता दूर करने के लिए मैं अपनी वीणा से कोई राग वादन करती हूँ। ऐसा संगीत जो मन को कर दे सम्मोहित, नारद प्रफुल्लित, ब्रह्मदेव और माता सरस्वती के निकट जाकर इस दिव्य संगीत का आनंद लेना चाहिए। क्या हुआ देवी, अचानक कौन सी चिंता आपको विचलित कर उठी है? ज्ञात नहीं स्वामी, किंतु प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अशुभ अपवित्र हमारी ओर बढ़ रहा है। कुछ ऐसा जो हमारे इस पवित्र स्थान को दूषित कर देगा। देवी, जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता को कलंक नहीं लगने देता, उसी प्रकार कोई भी अपवित्रता भला आपको स्पर्श कैसे कर सकती है? आप तो स्वयं दिव्य पवित्रता की ही प्रतीक हैं। वैसे भी कभी कभी अपवित्रता के जागृत होने से ही पवित्रता का भी भान होता है। आपका कथन सर्वथा उचित है स्वामी। अपवित्रता के अंत में ही पवित्रता का विस्तार निहित है, किंतु फिर भी यहाँ किसी अपवित्र और दूषित अस्तित्व के आगमन का आभास मुझे चिंता मुक्त नहीं होने दे रहा है स्वामी। ओ,
नारायण नारायण, ब्रह्मलोक में ये कौन असुरी आकृति स्थित है? कदाचित देवी सरस्वती की चिंता उचित थी। इस दुष्ट के आगमन की पूर्व सूचना प्राप्त हो रही थी उन्हें। पाताल क्या चला गया, आप तो मुझे भूल ही गए ब्रह्मदेव। मैं तो आपका ही अंश हूँ। आपकी अशांति का कारण मुझे पता है। मेरे आगमन से ही आप इतने अशांत हैं। मैं कदापि यहाँ पर आने का कष्ट नहीं करता। यदि मैं इंद्रलोक नहीं जाता और मुझे वहाँ पे ये ज्ञात ना होता कि कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र ने जन्म लिया है, इससे तो कितना प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा। एक बार इसे ढक कर देखता हूँ। यदि ये बालक किसी प्रकार चंद्र के साथ क्रीड़ा करता रहा तो प्रकृति पर इसका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। क्या महादेव को यह ज्ञात भी है कि उनका पुत्र किसके साथ कैसी क्रीड़ा कर रहा है? अधीर होकर पुनः शांत हो जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका? मुक्त करो मुझे, मुक्त करो। प्रभु, प्रणाम। प्रभु नंदी, कहो क्या बात है, क्या हुआ है? प्रभु, चंद्रशेखर, शेखर चंद्र नहीं है। मैंने वरदान दिया था चंद्र को कि वो सदा मेरे शीश पर स्थित रहेंगे, फिर वो मेरे शीश कहाँ चले गए? कौन हटा सकता है उन्हें वहां से? क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप इतने शांत क्यों हो गए? मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूँ आपके समक्ष और पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये सत्य है? क्या कैलाश पर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ है? इस असुर में इतना साहस कहां से आ गया कि ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मदेव से ही इतनी दुष्टता से बात कर रहा है? और भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र में इतनी रुचि क्यों है इस राक्षस को? नारायण नारायण। कि
किंतु ये कैसे संभव है? महादेव ने तो वचन दिया था देवताओं को, उनके और देवी पार्वती के संयोग से उन्हें कोई संतान नहीं होगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में जब भी धर्म का ह्रास होगा, जब भी बुराई की शक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी, जब भी तुम जैसे दुष्ट के अस्तित्व का प्रभाव होगा, तो तुम्हारे जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए तुम्हारे काल का रूप लेकर शुभता का बल बनकर असाधारण रूप धारण कर दिव्यता का आगमन भी अवश्य होगा। कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में जिसका जन्म हुआ है, वो ही तुम्हारा अंत करेगा सिंदूरा। ब्रह्मदेव, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं आप। एक बालक अंत करेगा मेरा? कदापि नहीं। क्या आपको स्मरण नहीं है कि मैं अपराजेय हूं? आप विष्णु या स्वयं महादेव भी मुझे पराजित नहीं कर सकते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मुझसे प्राप्त वरदान की शक्तियों का अनुचित प्रयोग करके तुम एक पापी दुष्ट असुर बन गए सिंदूरा। किंतु पापी कभी अजेय नहीं होते, ये ज्ञात होते हुए भी तुम अपने कुकृत्यों में लिप्त हो। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुकी है। भूल रहे हैं आप, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं, ब्रह्मलोक को नष्ट कर सकता हूं। तुमसे अपेक्षा भी क्या कर सकता हूं मैं? तुमने अपनी शक्तियों को व्यर्थ किया है। संस्कार विहीन तो तुम थे ही, किंतु अब तुम्हारे बल से उत्पन्न अहंकार और तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति ने तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया है। ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान तो बहुत दिए, किंतु प्रतीत होता है संस्कार देना भूल गए। अपना कर्तव्य उचित प्रकार से नहीं निभाया इन सृष्टि रचयिता ने। बहुत हुआ ये प्रलाप, अब मैं उस बालक का वध करूंगा। सिंदूरा का अंत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। उस बालक का अंत कर आपके ब्रह्मलोक को नष्ट करने के लिए
शीघ्र लौटूंगा मैं। अजय तो आपने ही मुझे बनाया है ब्रह्मदेव, तो मेरे पराक्रम के परिणाम का सामना करने में कैसा संकोच पिताश्री। ये मेरी सबसे बड़ी भूल का प्रत्यक्ष रूप है। ब्रह्मदेव, क्या सुना मैंने अपने कानों से? नारायण नारायण, उस दुष्ट राक्षस ने भी आपको पिता कहकर संबोधित किया? आप ही उस दुष्ट दानव के पिता हैं? नारायण नारायण, मैं आपके सभी प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा देवर्षि, किंतु इसके पूर्व मुझे उसकी उपस्थिति से दूषित हुए ब्रह्मलोक को पुनः पवित्र कर लेने दीजिए। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं देवर्षि। प्रभु, भला ये कौन कर सकता है? किसमें इतना साहस कि आपके शीश से चंद्र ले जाए? इतनी उद्दंडता? अवश्य मेरा पुत्र ही चंद्र को ले गया होगा। कौतूहलवश उसने मेरे शीश से चंद्र को ले लिया होगा, किंतु यदि मैं अपने गणों को ये बात बता दूंगा तो भयवश वो कदाचित बालक से चंद्र को लौटा कर लाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तुम सभी जाओ और शीघ्र चंद्र को ढूंढ कर लाओ। जी प्रभु। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो हुँ? और नीचे देखकर क्यों नहीं चल रहे हो? प्यार तो लंदी थी। अरे आप इतना भी नहीं तमत्ते? अरे हम लोग तंदलमा तो ढूंढ रहे हैं ना, तो आत्मान नहीं मिले ना। नीचे ढूंढो भाई, ढूंढो। इसको समझाना और इन कणों को समझाना असंभव है। मैं आके ढूंढता हूं। ले क्या तल्ला भाई, देखते तलना। इस बालक के पास है, ये तो उनके साथ क्रीड़ा कर रहा है। मलदा चंद्रमा तो इस बालक के हाथ में देती लंदी थी, देती है। अब महादेव के पुत्र से चंद्र को कैसे मुक्त कराएंगे हम? कैसे लौटा कर ले जाएंगे उन्हें? इससे और रेखा खींचता हूँ। फिर से रेखा खींच रहा है।
नहीं शृंगे, इसे छेड़ना उचित नहीं। पुनः कठिनाई उत्पन्न हो गई, इसका क्या समाधान है? अन्य कोई कण भी इसकी ओर नहीं बढ़ेगा, किंतु प्रभु के आदेश का उल्लंघन भी ना हो, साथ जुड़ा के मैं ही आगे बढ़ पाऊं। ये सुंदर है। ये परछाई किसकी है? कौन है? बालक, ये चंद्र है, इसके साथ तुम क्रीड़ा नहीं कर सकते हो। अब इसे मुझे लौटा दो। हाँ, लौटा दो। महातेजस्वी और शक्तिशाली हूँ मैं। मेरा ये अस्त्र जिससे मैं सभी दुष्टों का अंत करूँगा, इसे मैं किसी को नहीं लौटाऊंगा। चलो फिर तलो। अरे तलो, अरे तुतले, तुतला हम रसोई घर में नहीं है, अभी हम बालक के समक्ष। बालक ते तमत्ते इतिले तो तेलाऊं। चलो चलो चित्तो याते। ओ चलो, पर कैसे? महादेव के आदेश का उल्लंघन करके? बहुत आनंद आ रहा है। यदि आपको इसके साथ क्रीड़ा करनी है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। अभी तो इससे मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भर जाए, मैं इसे किसी को नहीं लौटाऊंगा। देखिए ना, मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। अरे तोतला, कौन सी तितली और किसके बाल? हम यहाँ इसके हाथ में चंद्र की बात कर रहे हैं और ये काफे की। अरे नहीं शृंगी जी, ये कह रहे हैं कि पिछली बार भूल गए क्या, इस बालक से उलझने का क्या परिणाम हुआ था? खाता हूँ, इसे मैं आकाश में कितने ऊपर तक फेंक सकता हूँ। देखिए, देखा देखा, आप लोगों को अच्छा लगा ना? भागो! और दिखाऊं? अभी तो यही थे सभी, कहाँ चले गए? किंतु ये तो है मेरे पास। प्रभु, वो बालक आपके पुत्र चंद्र को नहीं लौटा रहे हैं। हमने उनसे चंद्र को लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो चंद्र के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। जिन साक्षात चंद्रदेव को वरदान देकर मैंने उनके प्रतीक को चंद्र रूप में अपने शीश पर धारण किया है, जिनके अस्थिर होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, एक बालक उनके साथ क्रीड़ा करे, क्या ये उचित है? नंदी, तुम जाओ और शीघ्र चंद्र को लौटा कर लाओ, उन्हें उनके उचित स्थान पर स्थापित करो। जी प्रभु। मुझे
मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। इसे पुनः उछाल कर देखता हूँ। इतना सुंदर फल अवश्य स्वादिष्ट भी होगा। थोड़ा और ध्यान से देखता हूँ, इसे तोड़ लेता हूँ, फिर इसके स्वाद का आनंद लूंगा, खाऊंगा इसे। आह, ऊंचाई पर लटका है, मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा। ऐसे तो नहीं तोड़ सकूंगा, कोई युक्ति लगानी होगी। इस दंड से सहायता प्राप्त हो सकती है मुझे। पहुंच तो रहा हूँ, किंतु लक्ष्य नहीं साध पा रहा हूँ। कुछ और करना होगा। अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता हूँ। बालक को यहीं कहीं होना चाहिए, यहां से अधिक दूर तो नहीं जा पाया होगा। बार इन्होंने दंड उठाया था तो हमारी बुरी दशा कर दी थी। इस बार न जाने क्या कर बैठे। अब मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे करूं? इनसे चंद्रमा कैसे प्राप्त करूं? इन फलों को तोड़ लेता हूं, फिर इनके स्वाद का आनंद लूंगा। नंदी जी, आप? मेरा अभी मन नहीं भरा, इससे अभी और क्रीड़ा करनी है मुझे, इसलिए मेरे शीश पर ही रहने दीजिए इसे। दंड? इसने तो पुनः दंड उठा लिया। नहीं नहीं, नहीं लूंगा। बालक, तुम इसके साथ क्रीड़ा करते रहो जब तक तुम्हारी इच्छा करे। हाँ, मैं जाता हूँ। प्रभु, मैंने उनके सिर से चंद्र को लेने का प्रयास तो किया, किंतु उन्होंने मुझे दंड दिखा दिया। उनके साथ पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो उसके पूर्व ही हमें उसे रोकना होगा। स्वामी, माता, माता यहाँ आ रही है। प्रणाम माता। उत्तम, अति उत्तम। तुम सभी ये ले आए तो अब मैं अपने पुत्र को भोजन करा सकूंगी। किंतु वो है कहाँ? स्वामी, ये क्या? सदा आपकी जटाओं में स्थित रहकर आपके शीश को सुशोभित करने वाले चंद्र कहाँ है? देखा आपने, ये है परिणाम ध्यान में मग्न रहने का। आपको ज्ञात भी नहीं कि आपके शीश से चंद्र कहाँ चले गए। और हमारा पुत्र,
वो कहाँ है? वो माता, चंद्र तो आपके पुत्र के पास ही है। वो उन्हें अपने साथ ले गए हैं और वो उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुम जाकर उससे कह दो, वो लौटा देगा चंद्र को। क्या हुआ? मैंने कहा ना जाकर मांग लो उससे चंद्र को, तो फिर विलंब क्यों कर रहे हो आप सभी? जाते क्यों नहीं? तंदी दी, अब माता तो आप ही बताओ। माता, हम सभी ने प्रयास तो किया, किंतु वो तुम तो माता प्लाया तमाले ताले आते बनोते, क्योंकि वो तो माता हम गए थे उनके पास, किंतु उन्होंने चंद्र देने से मना कर दिया। माता, उन्होंने अपने हाथ में दंड ले रखा है। पिछली बार उनके हाथ में दंड था तो स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई थी। और माता, अब तो उनके पास दंड भी है और दंडल भी है। बस शांत हो जाओ तुम सभी। नटखट अवश्य है मेरा पुत्र, किंतु है तो एक बालक ही ना। चंद्र को क्रीड़ा की कोई वस्तु समझकर ले गया होगा। इसमें दोष मेरे पुत्र का नहीं, उसके बड़ों का है, जो जगत के प्रति अपने दायित्व निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पुत्र का ही ध्यान नहीं रख पाए। किंतु आप सभी चिंता मत करिए, मेरा पुत्र अभी चंद्र को ले आएगा। पुत्र, तुम्हारे पिता के शीश पर स्थित रहने वाला चंद्र क्रीड़ा की वस्तु नहीं है, साक्षात चंद्रदेव के प्रतीक हैं। उनके अपने स्थान पर ना होने से चंद्रदेव भी प्रभावित हो रहे हैं, इससे सृष्टि का भी अहित हो रहा है। उन्हें शीघ्र लौटा दो पुत्र, शीघ्र आओ यहाँ। अभी आया माँ। पुनः ऐसा कभी मत करना पुत्र, अपने पिता के शीश से चंद्र को कभी मत उतारना। चलो अब उन्हें उनके स्थान पर स्थित कर दो। अच्छा माँ, अभी रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पुनः नहीं उछाला जाना चाहता। मुक्त कराओ मुझे, मुक्त कराओ, इतनी यातना नहीं झेल सकता मैं अब। ये क्या? वहां अवश्य कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हुआ है। मैं पुनः महादेव के मस्तक पर स्थित हो गया हूँ, मैं रक्षित हो गया हूँ, अब सब कुशल है। स्वामी, इस घटना के परिणाम स्वरूप आपको ये तो ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती के पुत्र क्या कर सकते हैं? अब ज्ञात हो गया है मुझे, नटखट है पार्वती नंदन, किंतु माता पार्वती और महादेव उन्हें संस्कार अवश्य देंगे। पिताश्री, मेरी ये भूल भी क्षमा करें, भविष्य में मैं कभी भी चंद्रमा के साथ क्रीड़ा नहीं करूंगा। बालक विनायक विनम्र जो हुए, चकित सारे गण देखते ही रह गए। चंद्र पुनः शंकर के भाल पे सजा, नाम चरितार्थ चंद्र शेखर हुआ। अनुराग से देखे पुत्र को पिता, हर्षित परिवार को देख के उमा। महाकाय बुद्धि की नरेश, सिद्धि दाई विघ्न हरता श्री गणेश। जय देव जय देव।
परमपिता ब्रह्मदेव, वो दुष्ट दानव भोलेनाथ और माता पार्वती के बालक के विषय में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों था? ये जानने के लिए मैं स्वयं उत्सुक हूँ पिताश्री। क्योंकि पार्वती पुत्र ही इस दुष्ट सिंदूरा का काल बनेगा देवर्षि। किंतु उस दुष्ट दानव ने आपको पिता कहकर संबोधित क्यों किया? देवर्षि नारद, आपका भ्राता एवं मेरा पुत्र ही है ये दुष्ट सिंदूरा, जो मेरी जम्भाई से ही उत्पन्न हुआ था। जम्भाई से? कैसे? मैं अपने ध्यान में लीन था, किंतु अचानक क्षण भर के लिए मेरी एकाग्रता भंग हुई। सृष्टि रचयिता का ध्यान भंग होना सृष्टि के प्रति उचित नहीं है। मुझे अपनी इस बड़ी भूल का आभास हुआ और मैंने पुनः स्वयं को ध्यान में स्थिर कर लिया। मैं निश्चिंत था कि मेरी इस त्रुटि से सृष्टि की कोई क्षति नहीं हुई, किंतु अनायास मुझे जम्भाई आ गई और मेरा मुख खुल गया। उसी अवकाश में यह जन्म लेकर प्रस्तुत हुआ। पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पुत्र, कभी कभी भूल भी वरदान बनकर हृदय को हर्षित करती है। तुमने मेरी जम्भाई से उत्पन्न होकर हमें अपार सुख प्रदान किया है। सिंदूर के समान लाल रंग होने के कारण तुम्हारा नाम होगा सिंदूरा। 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 जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। उसके सुंदर रूप ने हमें पुत्र मोह में डाल दिया और हमने उसे अनेकों वरदान दे डाले। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन वरदानों का इतना भीषण परिणाम भी हो सकता है। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। सिंदूरा का जन्म हुआ तो उसमें दिव्यता का समावेश था, किंतु लोभ और बल तो दिव्यता को भी दूषित कर देते हैं। पुत्र, स्नेहवश हमने उसे जितने वरदान दिए उसके अहंकार में उतनी ही वृद्धि होती गई। पुत्र, तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। अपने शत्रुओं की बुद्धि में प्रवेश कर उनको नियंत्रण रखने में तुम हमेशा समर्थ रहोगे और उन पर सदैव विजय प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे और उसका अंत होगा। अब कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, न देव, न दानव, न यक्ष और न मनुष्य। कोई वध नहीं कर सकेगा मेरा। अब मुझे किसी से कोई भय नहीं। अजय हो गया है सिंदूरा। अब जब मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ, किसी को भी, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं कि इंद्र और दिक्पाल भी मेरे समक्ष नमन करने पर विवश हो जाएंगे। त्रिलोक का अधिपति बनूंगा मैं और मेरे सेवक बनेंगे समस्त देवता। पिताश्री,
इन वरदानों के लिए आपका धन्यवाद, किंतु ये सत्य है भी या नहीं इसका परीक्षण तो मुझे करना ही होगा। तो क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्या तुम मेरा ही अंत करना चाहते हो? क्या ये उचित है? बलशाली की इच्छा स्वतः उचित हो जाती है, महाज्ञानी है आप, इतना भी नहीं जानते? सत्य है, विषधर को दुग्धपान कराने से उसका विष बढ़ता ही है। पुत्र सौंदर्य से मुक्त होकर ये नहीं समझ सका था मैं, किंतु अभी तो कोई उपाय कर इसे रोकना होगा। पुत्र, तुम एक महाबलशाली युवा हो और मैं एक वयोवृद्ध सृष्टि रचयिता, योद्धा नहीं हूं मैं, किंतु मुझे तो अपनी शक्तियों का परीक्षण करना है, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए या। पुत्र, तुम श्री हरि नारायण के पास जाओ, वो युद्ध करने में पारंगत हैं। तुमसे युद्ध करने के योग्य तो वही हैं, मैं नहीं। और इस प्रकार असाधारण बल और अहंकार से परिपूर्ण सिंदूरा बैकुंठ पहुंच गया। नारायण, कहाँ छुपे बैठे हैं नारायण? मेरे समक्ष आइए। ये आप क्या कर बैठे ब्रह्मदेव? अब मोहग्रस्त पिता के अविचारपूर्ण वरदान के कारण त्रिभुवन को यातना सहनी होगी। नारायण, मैं सिंदूरा आपसे युद्ध करने आया हूं। मुझसे युद्ध? परंतु मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता नहीं। शत्रुता नहीं तो क्या हुआ? मुझे ब्रह्मदेव के वरदान से मिली शक्ति का परीक्षण करना है। सुना है कि महाकुशल योद्धा है आप, इसीलिए मैं आपको अपनी भुजाओं में भरने आया हूं। पुत्र, युद्ध आदि तो मैं त्याग चुका, सृष्टि का पालन पोषण करने के कार्य में ही व्यस्त रहता। तुम महादेव पुत्र कार्तिकेय से युद्ध क्यों नहीं करते? युवा महायोद्धा कार्तिकेय ही देवताओं के सेनापति और रक्षक है। उन्होंने अपने पराक्रम से ताड़कासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध किया है। तुम कैलाश जाओ और उनसे युद्ध कर। यदि तुमने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया तो संपूर्ण देवता स्वतः ही तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देंगे। कार्तिकेय और तब सिंदूरा कार्तिकेयों को ढूंढता हुआ कैलाश पहुंच गया, किंतु तो ये है कैलाश, यही मिलेगा वो महायोद्धा शिवपुत्र कार्तिकेय। ये चूड़ियों की खनखनाहट कहां से आई? अत्यंत मधुर ध्वनि है। किंतु कार्तिकेय के स्थान पर उस दुष्ट की कुदृष्टि पड़ी देवी पार्वती पर।
देवी के अपार सौंदर्य ने तो मेरा मन मोह लिया, मुग्ध हो गया है सिंदूरा इनके इस मन भावन रूप से। और जिस पर सिंदूरा मुग्ध हो जाए उसे प्राप्त करके ही रहेगा। संयोग से उस समय महादेव और कार्तिकेय दोनों ही वहां उपस्थित नहीं थे। अपनी वरदानी शक्तियों से प्राप्त बल के मद में मदमस्त देवी पार्वती पर मोहित वो तुष्ट दुर्भावना हृदय में धारण किए देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगा। ये वही समय था जब देवी पार्वती संतान प्राप्ति की प्रबल कामना मन में धारण कर अपनी कल्पना से उसकी छवि को चित्रित कर रही थी। जब सिंदूरा उनके समीप पहुंचा उसी समय देवी पार्वती द्वारा चित्रित उस छवि से ही एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सिंदूरा से टकराया और वो तुष्ट कैलाश के बाहर जा गिरा। जिस पुत्र ने जन्म से पूर्व ही सिंदूरा से अपनी माता देवी पार्वती की रक्षा की उसको सिंदूरा के पग पग का भान है। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे सुकार्य करे जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व कर सकें। मैंने तुम्हें कई वरदान दिए परंतु तुमने उन सबका दुरुपयोग करना ही उचित समझा। उन शक्तियों के साथ मुझ पर ही आक्रमण किया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। जिन देवी को तुमने कुदृष्टि से देखा उन्हीं का दूसरा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। स्मरण रखूंगा, सदैव स्मरण रखूंगा ब्रह्मदेव। मुझे गुरु बनाने के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा आपको। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। यदि वो बालक मेरे लिए काल है तो सिंदूरा भी उसके लिए महाकाल है।